कैसा चल रहा भाई? सब आपका आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा है मालिक। आपका तो फसल अच्छी होने की उम्मीद है। जी मालिक, एक बोई है मालिक। ठीक है, इसमें खाद पानी अच्छा करना, फसल अच्छी होगी। जी मालिक, सब लगवा रहा हूँ खाद वगैरह भी। बाबूजी, प्रधान चाचा। अरे प्रधान, तू आओ, कैसे आना होगा? इबाने में क्या कसर रहेगी चौधरी, तेरे से मिलने को दिल करा और वो चलाया। चल भाई, उधर पेड़ के नीचे बैठ के कुछ दिल की बात करें। हाँ, ये तो बात। बड़े काका, हम आपसे नाराज हैं। अरे बिटिया, आप हमसे नाराज हैं? नाराज होने की कौन सी बात है? आप कहा करते थे आप हमसे भी प्यार करते हैं। अरे बेटे, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ जितना अपने बेटे सूरज से करता हूँ। फिर आप हमें भी बाबूजी की तरह गले से क्यों ना लगाते? अरे बेटे, इसमें नाराज होने की क्या बात है, तो हम आपको भी गले लगा लेते हैं। बेटा, तू पगली है क्या? छोटे बड़े का गले नहीं लगते, आ तू मेरे गले लग जा। अरे सूरज बेटा, ऐसे नहीं बोलते। आ बेटे, रोशनी अब तुम बताओ, अब तो नाराज नहीं हो? जा जा, तू पहले अपना मुंह धो के आ। अच्छा रोशनी बच्ची, तुझे मैं अभी बताता हूँ। बताएगा तू, जा पहले मैंने छू कर दिखा। और सुनाओ प्रधान, क्या हाल है? मैं क्या सुना सकूं? तेरी याद आई और बस चलाया मैं तेरे से मिलने। ये हमारे बच्चे भी कब तक जवान हो? क्यों चौधरी, तुझे क्या चिंता है? कहीं शादी करने की सोच रहा अपनी? अरे मेरे यार, अपनी शादी तो मैं जब ना करी जब सूरज 2 साल का था और तेरी भाभी ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया था। अब तो शादी तुझे करनी है, रोशनी को माँ भी मिल जाएगी और तुझे बहू भी मिल जाएगी। चौधरी तू तो सब जाने, आजकल सब अपना अपना चाहे, फिर मैं रोशनी को दूसरी माँ के हवाले कैसे कर सकूं? भाई दूसरी तो दूसरी हो गए भाई। यह बात तो है प्रधान, सोतली तो सोतली कमाओगी भाई। तो दिल में से उमंग भी खत्म होगी, पर तू एक बात बता, तू इन बच्चों को इतनी जल्दी बड़ा करना क्यों चाहे? अरे यार एक बात बता, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और फिर हम इनके अलग अलग कहीं ब्याह करें, ये कौन सी बढ़िया बात है? चौधरी क्या तो तने मेरे मन की बात कह दी? अपनी जिम्मेदारी छुटकारा पाने के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। अरे इसमें समझने की कौन सी बात है, मैं ये सोच रहा हूँ कि सूरज और रोशनी बड़े हो जाएं, इनकी ब्याह शादी करके अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो। चौधरी क्या तो तने मेरे दिल की बात कह दी? अरे प्रधान तू ये बता, हम अच्छे दोस्त हो गए भी अपने बच्चों का दूसरी जगह ब्याह करेंगे? बस फिर आज से रोशनी तेरी हुई। रोशनी तो आज भी मेरी है, पहले भी मेरी थी, तू उसकी चिंता ना करे। लेकिन क्या ये दोनों? लेकिन क्या प्रधान? मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये हमेशा दोनों यूं ही लड़ते रहेंगे? अरे प्रधान बस बस, तू भी, अरे ये भी बालक हैं, सयाने होके सब समझेंगे, सब अपनी चिंता करने लगेंगे। प्रधान तू जिनके बारे में चिंता कर रहा था ना, देख उन्हें एक दूसरे का कितना फिक्र है। सच चौधरी, आज मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गया हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। रोशनी घर नहीं चलना है, अब यही खेलती रहोगी, जल्दी आओ।
साहब राम राम। राम राम भाई राम राम। राम जी राम राम। अरे डाकिया बाबू कैसा आना हुआ? चौधरी साहब हवेली पर गया था, पता चला आप यहाँ है इसलिए यहाँ चला। क्या कोई खास बात है? हाँ प्रधान जी, शहर से चौधरी साहब के पिताजी का तार आया है। तार आया है? क्या कुछ लिखा है, पढ़ के तो सुनाओ। इसमें लिखा है आपके पिताजी सख्त बीमार हैं, तुरंत बुलाया है चौधरी साहब। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बापूजी, आपका तार मिलते ही दौड़े चले आए, आपको क्या हुआ है? बस हुआ क्या है बेटा, मैंने शहर में रह के ये करोड़ों की दौलत जो कमाई है, ठीक है ना, इसका क्या होगा? अब तक तो मैं देखभाल इसकी करता रहा, अब तो तुम्हें संभाल लूंगी। लेकिन बाबूजी, गांव की खेती बाड़ी का क्या होगा? बेटा आज सभी लोग शहर की ओर दौड़ रहे हैं, क्योंकि सभी को दौलत की जरूरत है। जो खेती बाड़ी से अर्जित नहीं की जा सकती। बापूजी, हमारा भारत देश हरियाली से तो मशहूर है, तभी तो लोग कहते हैं जय जवान जय किसान। और आप? वो बात तो सही है, मगर बेटा तू मेरी बात मान ले, मेरे पास वक्त कम है। मेरी अंतिम इच्छा है बेटा रघुवीर, मेरे बेटे सूरज को पढ़ा लिखा के राजकुमार बनाना, और मैंने सारी दौलत जो है ना सब इसी के नाम कर दी है। ठीक है बाबूजी, आप जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए, मैं आपकी हर इच्छा। बाबूजी आप बोलते क्यों नहीं? बाबूजी बाबूजी बाबूजी, कुछ नहीं बैठे बाबूजी, बाबूजी साहब, अब तो जो होना था वो तो हो गया। सूरज बेटे को देखो कितना उदास है, अपने आप को संभालो चौधरी, बेटे का भविष्य देखो। प्रधान, बाबूजी का कहना था मैं सूरज को शहर में रखकर पढ़ाऊं लिखाऊं और यहीं रहूं। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? सूरज पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बन जाएगा, ये अपना कारोबार संभाल लेगा। और रही बात तेरी, तुझे तो सब कुछ ये संभालना ही पड़ेगा। मगर दोस्त, गांव में हमारी इतनी सारी जमीन जायदाद का। अरे तू गांव की चिंता छोड़, मैं जो हूँ यार, मैं अपनी जमीन के साथ तेरी जमीन जायदाद की भी देखभाल करूंगा। और जब तेरे से मिलने को दिल करेगा तो तेरे पास दौड़ करके चलाया करूंगा, समझा? तब प्रधान, तू मेरा अच्छा दोस्त है, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। अधूरा तो मैं भी तेरे बिना हूँ चौधरी, हम तो दोनों एक दूसरे के दिल में रहते हैं। तुम अपने आप को संभालो और सूरज का ध्यान रखो। अब मैं चलता हूं, चल बे। राम राम मालिक। राम राम हरिया, कैसे हो? राम राम मालिक। राम राम भिक्कू, कैसी हो रोशनी बिटिया? मैं अच्छी हूँ हरिया काका, आप कैसे हो? सब मालिक की कृपा है बेटी, हमें इतना बड़ा दर्जा मत ना दो हरिया, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ तुम्हारी तरह, ये सब कुछ तो भगवान की कृपा है, उसी का आशीर्वाद होता है सब पर।
बाबा वो देखो कोई हमारी खेतों की ओर चला आ रहा है। वो तो कोई बच्चा जाल पड़ता है क्या? मालिक देखो वो लड़का गिर गया। कौन है बेटा, कौन है तू, क्या नाम है तेरा? मैं बाबा, इसे क्या हुआ है? लगता है बेटी से तेज बुखार है, चलो इसे घर ले चलते हैं। हरिया बिकू तुम खेत पर काम देखना, हम इसे घर ले चलते हैं। बाबा क्या हुआ इसे, ये मांगीरा क्यों? बेटी तेज बुखार के कारण ऐसा रहा होगा। बाबा ये कब तक ठीक हो जाएगा? बुखार कम हो रहा है, थोड़ी देर में और बुखार कम हो जाएगा और ये अच्छा हो जाएगा। आप कौन हो? मैं कहाँ हूँ? तुम हमारे घर में हो क्या? तुम कौन हो? मेरा नाम दीपक है, मेरी माँ को लाला ने मार दिया और मेरी बहन की इज्जत लूट ली। रो मत बेटा, मैं हूँ तेरे साथ, लेकिन तू ये बता लाला ने तेरी माँ बहन के साथ ऐसा क्यों किया? घर का किराया ना देने पर। हे भगवान, कितने बड़े बड़े पापी हैं आज भी तेरी इस धरती पर। बेटा और कौन कौन है तेरे घर में? अब मेरा कोई नहीं, अब मैं अकेला हो गया हूँ, अब मैं अनाथ। ऐसा नहीं कहते बेटे, मैं हूँ तेरे साथ, आज से तू मेरा बेटा है और यही रहेगा मेरे साथ। हाँ बाबा, इसे हम अपने साथ रखेंगे, हम दोनों खेतों पर खेलेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। ना ना कर तो गिर जाएगी। मैं क्या जानबूझ कर गिरी हूँ? ठीक है चल, जल्दी चल बाबूजी घर बांटते हैं। एक तो चोट लगी, ऊपर से डांटता भूत तो कहीं। जल्दी जल्दी चलना, एक नहीं तो मुझसे चला नहीं जा रहा। ड्रामा ना कर रही, मैं सबसे लंगड़ी हो चुकी हूँ। साथ या बचपन का ये प्यार याद
दीपक, देखना हम खेलते खेलते कितने बड़े हो गए और पता भी नहीं चला। तो कब कली से फूल बन गई, हम तुझे चावे हैं भवरे की तरह। शकीरा, तू यहाँ क्या करने आया? अरे वही करने आया हूँ जो तू उस लंगूर के साथ करने आई थी। चला जा जगीरा, वरना दीपक तने ना छोड़ेगा। एक बार तेरा हाथ पकड़ा तो उसके बाजू में इतना दम नहीं, तेरा हाथ मेरे हाथों से छुड़ा ले। कमीने, मेरा हाथ छोड़ दे। तू जिसकी बात कर रहा है ना, जब वो चले है ना तो धरती भी कांपे है। जब गुस्से से देखता है तो शेर भी डरे है, जब मुड़ता है तो हवा भी रुख बदल दे है। जब वो मारता है तो धरती भी चाटनी पड़े है। मैं हूं ना। रोहित, महेंद्र, राजकुमार, कमाल कर दिया दीपक मुंह पूछ के। भैया चेन्नई से पीट के हमारे काम का ना हमारा भी नाम रोशन कर दिया। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इसकी टूटी हुई अड्डे को इसके घर तक तो पहुंचा दो ताकि वो इसकी मरम पट्टी कर सके।
जाके देखो आज भी रवानी है बड़े वक्त की मां भूल जाना साथिया बड़े वक्त की मां भूल जाना साथिया छिपन का ये प्यार याद रखना साथिया बचपन का ये प्यार याद रखना बचपन का ये प्यार याद रखना साथिया 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 दीपक अब तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता है यही तो प्यार होता है ये प्यार क्यों और कैसे होता है जब दिल जवान होते हैं तो उसमें एक चिंगारी भड़कने लगती है तब उसे किसी दूसरे दिल की जरूरत पड़ती है जो आकर उस चिंगारी को अपने प्यार की ठंडक से बुझाता है क्या ऐसा भी होता है हाँ ऐसा ही होता है प्यार में दीपक हमारा प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल नहीं होगा अगर तुम यूं ही मेरा साथ देती रही मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ दीपक बिना कभी कोई रोशनी भी होती है ये तो है अपने भाई को भी ना पहचान रही मुंह पूछ के क्या ये हमारा भाई जागीरा है नाना ये सारा भाई जग्गा ना हमारा साला है तो इसे ऐसे क्यों लाए हो क्योंकि इसने प्रधान जी की लड़की को छेड़ा है मुंह पूछ के क्या हमारे भाई ने रोशनी को छेड़ा है और इसीलिए दीपक ने ना इसकी जमकर लड़ाई कर डाली आज कर दिया ये क्या कर रहे हो ये प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं मुंह पूछ के भैया है यहाँ ये लौटता शाम तक भी इतना ना खूब चमड़े तो मार खाएंगे तो फिर खेत में चल के ही प्यार करेंगे ऐसे यूं ना कहो आ जाओ प्यार कर लो चलो चलो मैं आती हूँ लड़ाई के अलावा कुछ और भी काम रह गया तुझे जब देखो लड़ता रहता है क्या हुआ बाबूजी क्या बात है ऐसे क्यों से लेके आ रहे हो आजकल ये बहुत झगड़ा करने लगा है मवाली गुंडे लोगों से झगड़ा करता है लेकिन बाबूजी उसने रगड़ू और मसलू को पीटा था तुझे तो कुछ नहीं कहा उसने तू क्यों लड़ा उससे बाबूजी ये झूठा कहीं का ये कह के गया था कि ट्रैक्टर चलाने जा रहा हूँ खेतों में और झूठ बोलता है आज के बाद किसी से झगड़ा किया तो अच्छा नहीं होगा समझा तू क्या इशारे कर रही बाबूजी तरफ है क्यों तू तो किसी से पंगा नहीं करता आज किससे किया उसी झगड़ा से क्यों उसने रगड़ू और मसलू को मारा था बस यही बात है क्या मेरे कारण से उसे और भी पीटा आज अच्छा तुम्हारी तरफ उठने वाले हाथ को मैं काट कर फेंक दूंगा ओहो सच्ची
तुम्हारी तरफ उठने वाले हाथ को मैं पटकर फेंक दूंगा। जो हाथ तुमसे मुझे दूर करेंगे मैं भी उसका साथ कभी नहीं दूंगी, चाहे वो बाबूजी का हाथ क्यों ना हो। मेरे बाबूजी के बारे में बोलता है। कर ले मुझसे प्यार, दिल बेचारा प्यार कमारा सुन ले मेरी बात, मेरी सुन ले छमक छल्लो कर ले मुझसे प्यार। ओ मेरी छल्लो रानी, ओ मेरी छमक छल्लो।
मेरी सुन ले छमक छल्लो कर ले मुझसे प्यार ओ मेरी छल्लो रानी ओ मेरी छमक छल्लो करिए ना तू तकरार ओ मेरी छल्लो रानी करिए ना तू तकरार तेरे कमारा प्यार कमारा सुन ले मेरी बात मेरी सुन ले छोरे करना ना तू मुझसे प्यार तेरे कमारा प्यार कमारा सुन ले मेरी बात मेरी सुन ले छोरे करना ना तू मुझसे प्यार ओ मुंह को पीछे कर ले दीपक के तू कभी भी किसी के दिल की आवाज समझ ना सके मैं तो सबके दिल की आवाज समझ लूं तू मेरे दिल की आवाज क्यों नहीं समझ पाता की बात तो मैं खूब जानूं बताऊं अभी समझने से काम ना चलेगा कुछ करके दिखा उरगुआ तेरा दिल तो धक धक कर रहा है काश तू इसकी आवाज सुन पाता अभी तो सुनिए रेल के इंजन की ढाल कर रहा है धक 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 अरे बावले तू दिल की आवाज को ना पहचान सका मुंह पूछ के तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें दिल की आवाज के बारे में क्या पता तब एक घंटे से गाना गान लग रहे और हम नाचन लग रहे और दिल की आवाज की बात ही है वो हमसे सुन दिल की आवाज ना तो रेल के इंजन जैसी होती दिल की आवाज हमारे ट्रेल के इंजन जैसी समझा के ना मुंह पूछ के अरे तू मैंने भी ना कई बार सुनी है और रोशनी रुक तो सही अरे जब तुमने इंजन बता ही दिया तो इंजन तो चला गया डिब्बा रह गया हाँ भाई लगड़ू मुंह पूछा है सारी बात से पूरी तरह सहमत साले तुम दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत रहो मैं तो चला अपने घर लग रहा प्रधान की छोरी का कुछ चक्कर है मेरे ससुरे चक्कर ना यूं करा मैं तो ये तो बचपन से चक्कर चल लग रहा आई बंदे आई अरे बेटी कहाँ भागी जा रही हो पापा कहीं नहीं पापा ये बुद्धू है ना अरे मगर सिंह भाई जी मुझे बुद्धू बताती है खैर मैं तुझे अभी बताता हूँ देखा देखा ना पापा ये है ना बुद्धू तुम्हारी कहानी तो बस राम ही जाने बचपन से लेकर आज तक हमेशा लड़ते आ रहे हो बाबूजी लड़ाई पहले ये करती है ये बात है नहीं बाबा ये झूठ बोल रहा है ये मैं भी बताता हूँ झूठ तू बोल रहा है मैं बोलूँ देखा बाबा देखा हमेशा ये लड़ता है मुझे पहले यही छेड़ता है मुझे तुम दोनों ही लड़ते हो अरे तुम दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हो तुम्हारी इसी लड़ाई को देख देख कर तो मैंने जीवन गुजार दिया वास्तव में तुम दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हो यार मतलू दीपक इतनी तड़की तड़क कैसे उठ जा वो मारे तो बस कहना 10 बजे से पहले उठना तो मैं लू कह रहा है जिसमें कौन सा भेज रहेगा चल दीपक से चल के पूछ ले चलो पूछ लेते हैं वो पूछ के पूरा दीपक काम कर रहा अब पूछ साले एक तो मर
करवा दिया, ऊपर से बात बना रहा खड़ा खड़ा। तो पूछना भी तो तू ही चाहे था। अरे पूछते हो तो पूछ लो ना, मैं करूँ अपना काम। जी पूछना उछना क्या है, हमें तो एक बात पूछनी थी। मैं बताऊँ यू ना नू पूछन चाह रहा कि ना तुम इतनी तड़क तड़क कैसे उठ जाओ, सोते ना क्या? अरे टाइम ते सोना टाइम ते जगना और के। हाँ मैं समझ गया। वो क्या? वो ये तू घर पर सोता ही ना भाई, तो खेतों पे आके सो जावे। पर रगड़ू मैं नू कह रहा खेतों पे बिछोना खाट तो होते ही ना। अरे बावले किसानों के बेटों को खोज के जवानों को खा काट बिछोना छुआवे है, इनको तो धरती माई प्यारी है। आज तुम दोनों ने एक अकल की बात करी है जिंदगी। की मतलब आज अकल की बात करी हमने? क्यों भैया ऐसे का हमने कभी अकल की बात करी ना। ऐसा मन ने कद किया पगले, इंजन के बिना कहीं रेल रहे वे? चल पारा या के काम, तो फिर हम यात्री कहाँ जाएंगे? दीपक दीपक सुन, तो सुनता क्यों नहीं है दीपक? दीपक दीपक सुन तो। हाँ सुना के बात है। तू इतनी सुबह खेतों में क्यों आ गया? काम करना है, फसल सूख की जा रही है, पानी चलाना है, ऐसे थोड़ी है। तुझे तो सिर्फ काम की पड़ी रहती है और किसी की तो परवाह ही नहीं है। तो और किसी की परवाह मैं क्यों करूं? चल बुद्धू तू कुछ नहीं समझेगा। क्या समझना है? तू सचमुच कुछ नहीं समझता क्या? नहीं। मगर क्यों? मगर के? अच्छा एक बात बता। पूछ। मेरी शादी होगी तो तू क्या करेगा? मैं तुम्हें खूब सजाऊंगा और खूब सजाकर दुल्हन बनाऊंगा। तुम जैसे बचपन में थे आज भी वैसे, तुम कभी सुधर नहीं सकते। रोशनी तुम नाराज क्यों हो जाती हो? छोड़ो मुझे, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम क्या मैं बोलूं? अब हम बच्चे नहीं रहे, मुझे ऐसे ना छेड़ा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। रोशनी तुम ये कैसी बात करने लगी हो? क्या तुम एक ही रात में जवान हो गई? हाँ मैं एक ही रात में जवान हो गई। एक कली एक ही रात में फूल बन जाती है, एक लड़की एक ही रात में सुहागन हो जाती है। एक रात में कुछ भी हो सकता है। रोशनी तने ऐसी बात कहां से सीख ली? दीपक मैं किसी और के घर नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारी बन के रहना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो? मैं शादी करके तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। मगर तुमने ये सब पहले क्यों नहीं कहा? कभी कोई लड़की पहले बोलती है क्या? तो आज भी तो बोल रही है। चल बुद्धू तू कुछ नहीं समझेगा। वो कैसे? तो क्या तुम उससे प्यार करती है? मैं तो नहीं प्यार करती। अगर बाबूजी ना माने तो? दीपक मैंने बचपन से सिर्फ तुम्हें प्यार किया है, तुम ही मेरे मन में रहे हो। और रही बात बाबूजी की, तो अपनी बेटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। रोशनी हमारे प्यार को किसी की नजर ना लगे। नजर लो अब किसी की नहीं लगेगी। अरे मजलू अरे बाग में छोरी ना आ गई। शिकारी भी ना अपनी जेल में फंसा करे, ससुरे संभल के जाइए।
अरे तू जिम्मेवारी मेरे पर छोड़। है? मुंह पूछ के। तो भी ठीक है। तूला तूला। तू अकेले जा। हेलो डार्लिंग। बदतमीज, यू क्या बोल रहा है तू? मंचली। मुझे देख लिया तो मंचली। और कोई और लड़की समझ के छेड़ रहा था, और तू वो अंग्रेजी में क्या कह रहा था? दार्जिलिंग। अंग्रेजी में मैं महबूबा कह रहा था। और तू मेरे क्या लात लेना सलमान खान और ऐश्वर्या राय की डाला। तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है कभी? मैं तेरे साथ नाच लूं? घर में होता मैं देखता भी मुंह पूछ के। सब समझ में आ गई। अब और कुछ ना रहा बाकी। चल चल कुछ चल। तुझे कुछ दिख रहा? मुझे कुछ ना दिख रहा। तुम्हें दिख रहा? मुझे भी कुछ ना दिख रहा। चलो चल मेरे घर। यूके बाबूजी, तुम भी इस पुरानी घड़ी में लगे रहो रोज। नहीं ले लो तो पैसे की कमी है। पैसे की तो कोई बात नहीं है बेटा, घड़ी तो बदल देता, पर वास्तव में मेरी असली जिंदगी की पूंजी तो तुम हो। बस अब तो एक सपना रह गया है। बताओ तो सही बाबूजी, मैं अपनी जान देकर भी आपका सपना पूरा करने की कोशिश करूंगा। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है दीपक बेटे। मैं पहले सोचता था दोस्ती किसी के बाद मैं अकेला पड़ जाऊंगा, पर भगवान ने मुझे तुम जैसा बेटा देकर मेरी सारी मुश्किलें आसान कर डाली। क्या बाबा, जब देखो मुझे भेजने के पीछे पड़े रहते हो, क्या मैं आप पे बोझ लगती हूँ? बेटी माँ बाप पर बोझ नहीं होती रोशनी, तू तो मेरी बहुत अच्छी बेटी है। तेरी जैसी बेटी पाकर तो फख्र करेगा आदमी अपने आप पर। ये और अच्छी अंबी बाबूजी के बात है, जिस घर में ऐसी बेटी हो जाए ना, उसका तो दिवाला निकल जाए दिवाला। ए, बताओ अभी तेरी तो। अरे लड़ो नहीं, अब तुम दोनों जवान हो गए हो, लड़ो नहीं। बनाऊंगा मैं फिल्म।
दीवाना, बढ़ती रहेगी ये चाहना, ये चाहना, ये चाहना। कर ले तू प्यार छोरी, काहे को पागल होरी, अपना बनाऊंगा मैं जीवन, लुटाऊंगा मैं जान ले मेरी, रब्बा रब्बा तेरा हूं मैं तो दीवाना, दीवाना, दीवाना। बढ़ती रहेगी ये चाहना, ये चाहना, ये चाहना। कर ले तू प्यार छोरी, काहे को पागल होरी, अपना बनाऊंगा मैं जीवन, लुटाऊंगा मैं जान ले मेरी, रब्बा रब्बा मेरी कहानी, रब्बा रब्बा। हेलो। हाँ पापा, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं बेटे? मैं ठीक हूँ। बस हर रोज आपको याद करता हूँ पापा, बस इसी सारे अमेरिका में कब वक्त कट गया पता ही नहीं चला। बस बेटे, यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है, बस तेरी सूरत देखने की इच्छा कर रही है। मैं अगले हफ्ते उड़कर आपके पास आ रहा हूँ। क्या क्या तू सचमुच महारत आ रहा है? हाँ पापा, मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स फर्स्ट क्लास से पास कर लिया है पापा, अब मैं इंडिया में ही आकर अपना बिजनेस शुरू करूंगा। ठीक है बेटे, तू आजा जल्दी से, मैंने तेरे लिए कुछ चीज छुपा के रखी है, घर आएगा जब ही मिलेगी, मैं कल उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटे। ठीक है पापा, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। ओके बाय। यस, अब मैं इंडिया जाऊंगा। अरे मोहन, जरा ये साड़ी देख के तो बता, इस घर की बहू पे ये कैसी लगेंगी? बहू? कौन सी बहू मालिक? फिर बहू किसके लिए? अरे पगले, जब टाइम था मैंने जब ही शादी नहीं करी, अब क्या शादी करूंगा? बस मैं अपने यार के यहाँ से अपनी अमानत लेने जा रहा हूँ, तू घर का ध्यान रखियो।
रुको रुको, कौन हो तुम? एक मिनट आती हूँ। रुक, आती हूँ मैं। पक्का चोर होगा। अरे क्या कर रही हो? तुझे भी देखती हूँ। अरे बेटे जरा सुनना। जी कहिए। ये फसल किसकी है? क्यों, चोरी करने का इरादा है क्या? क्या मैं तुम्हें चोर नजर आता हूँ? क्यों, किसी के माथे पे लिखा होता है क्या? प्रधान, प्रधान, अरे मेरे दोस्त चौधरी, तू आज इस गरीब यार की याद कैसे आ गई? बस आ गया, याद आ गई, मिलने आ गया। खैर सारी बात छोड़, तू ये बता मेरी बेटी रोशनी कहाँ है? पहचाना नहीं? अरे देखूंगा, जब तक पहचानूंगा। यही तो है तेरी रोशनी। ये है रोशनी। नमस्ते बड़े काका। बड़े काका नहीं, बड़े चोर। बड़े काका माफ कर दीजिए। ये क्या चल रहा है तुम दोनों में? अरे मुझे भी तो बताओ। ये हमारी बेटी रोशनी कह रही थी कि मैं सारी फसल ले जाऊंगा चुरा के। अच्छा अच्छा। कौन आया है? मेरे बड़े काका। कौन बड़े काका? तुम तो कहती थी वो अकेले हैं और उनकी एक ही बेटी है, फिर आज ये नया संबंधी कहाँ से पैदा हो गया? पुत्तू ऐसा नहीं कहते, वो मेरे चौधरी काका है। शहर से आए, 12 साल पहले शहर चले गए थे, आज बाबा जी से मिलने आए। कल कहीं ऐसा संबंधी पैदा ना हो जाए जिसे देख कर तुम उसकी हो जाओ और मुझे भूल जाओ। हाँ ऐसा भी है कोई? तो वो भी बता दो। बड़े काका का बेटा। ठीक है तो तुम उसी के पास जाओ, मैं कोई नई लड़की ढूंढ लूंगा। ए, मार डालूंगी जो मेरे प्यार की तरफ नजर उठा के भी देखेगी और खुद भी रो रो के मर जाऊंगी। अरे रोशनी मैं तो मजाक कर रहा था। चलो आज तुम्हारे बड़े काका से मिल लेते हैं, फिर उनके बेटे से भी मिल लेंगे। चल चल चल। प्रधान ये मैं तेरे लिए शहर से पोशाक लाया हूँ और अपनी होने वाली बहू के लिए साड़ी, देख कैसी है। दोस्ती के आगे तो फिर फीके हैं दोस्त। अरे मुझे तू मिल गया, संसार भर की खुशियां मिल गई। लो ये जरा अंदर दे आओ। देख प्रधान, नया जमाना है, जमाना बदल चुका है। आजकल के लड़के लड़कियां दूल्हा दुल्हन पसंद करते हैं, बुजुर्गों की तो कोई बात सुनता ही नहीं। शहर में तो बेशर्मी का जीना है। और परसों परसों सूरज अमेरिका से आ रहा है, मैं चाहता हूँ रोशनी घर उसे मिले, दोनों एक दूसरे को जान पहचान ले। बड़े काका क्या बात चल रही है और किसकी शिकायत चल रही है? यहाँ किसी के मजाल है जो तेरी शिकायत कर सके? बस पुरानी दोस्ती की यादें ताजा कर रहे थे। सच सच बताओ किसके बारे में बात हो रही है? तुम्हें मैं अपने संग कुछ दिनों के लिए शहर ले जाने की बात कर रहा था। शहर? बस यूं ही बेटी, आपको शहर दिखाने के लिए। रोशनी कहीं नहीं जाएगी बाबूजी। मगर क्यों? और आप इस बात को कहने वाले होते कौन हो? जा बेटा तुम दोनों अंदर चलो। मगर ये भी मेरा बेटा है चौधरी। रोशनी के बाद मेरा ख्याल रखने के लिए इसे मैंने अपना बेटा बनाया है। मगर ये आया कहाँ था, किस शहर से आया, कुछ अच्छा पता है? ये भी एक इंसान है, गरीब का बेटा था, मेरे पास आया, मैंने रख लिया। मगर क्यों? क्योंकि इसकी माँ बहन को किसी ने कत्ल कर दिया, घबराया हुआ था, गाँव में आया था, मुझे मिल गया
बस मैंने इसे अपना बेटा समझ करके अपने घर में रख लिया। ठीक है प्रधान, तुम मेरे साथ रोशनी को भेजने की तैयारी करो, मुझे आज ही शहर जाना है। मुझे क्या तैयारी करनी है चौधरी, मैं तो तुम्हारे साथ यूं ही भेज दूंगा। आगे चलकर तुम जो चाहे पहना लेना, आओ चलो कुछ खा पी ले। रोशनी, ये तुम्हारे बड़े काका है ना? हाँ ये मेरे बड़े काका है, बाबूजी के बचपन के दोस्त। दोस्त ही है ना, फिर बाबूजी तुम्हें इनके साथ क्यों भेजना चाहते हैं? दीपक, बड़े काका बाबूजी के बचपन के दोस्त हैं, जैसे तुम और मैं। रही बात मेरी, तो मैं खुद उन्हें जाने से मना कर दूंगी। और तुम चली गई तो मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा? अगर मैं चली भी गई तो एक दो दिन की बात है। एक दो दिन की बात करती हो, मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो, और तुम ये मेरे फूल क्यों तोड़ रही हो? ए, मैं कौन हूँ या तू कौन है? तू इस घर में क्या कर रहा है? मैं इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन। देखा नहीं नए नए कपड़े पहन के खड़ी आ गया यहाँ पे, चल चल यहाँ से निकल। अरे मैडम, अरे कोई मैडम वैडम नहीं, चल चल यहाँ से निकल। अरे मैडम, निकलता है कि नहीं क्यों दिखाओ, मारूंगी, निकल, सुनाई नहीं देता क्या तेरा मेरा मेरा? देख नहीं कपड़े पे। रुक रुक, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे का मुझे छोड़ो, वो पता नहीं कौन पागल लड़की है, मेरा सामान लेकर आओ। हटो। अरे आप तो मुझे क्यों तोड़ दिया? बचाओ बचाओ बाबूजी, बचाओ इस पगली से। पगली पगली मैं या तू? तू यहाँ क्या कर रहा है? काका काका इसे निकालो। बचाइए बाबूजी इस पागल लड़की से। ए, ए, पागल किसे बोलता है? का, काका इसे निकालो। कौन पागल? ये जो है लड़की है सूरज। अरे मोहन तू क्यों ऐसा? आप भी तो हंस रहे हैं बाबूजी। हाँ मैं इसलिए ऐसा क्योंकि सूरज जो है रोशनी को पागल बता रहा है, और रोशनी सूरज को। तुम रोशनी हो? ये रोशनी है पापा? हाँ। रोशनी इतनी बड़ी हो गई? इतने दिनों बाद मिले हो, फिर भी लड़ रहे हो बेटा, थोड़ा आराम कर लो, सुधर जाओ, और बाकी बात शाम को खाने पे होगी। जी पापा जी। इतना बड़ा हो गया? मैं भी गांव से आई हूँ, अगर वो बिलाइट से आया है तो मैं भी उसे सच सवर के दिखाऊंगी, मैं भी कम नहीं हूँ। आती हूँ। Two, three. सूरज क्या हो गया? मैं अच्छी लग रही हूँ ना, इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो। पारी तुम्हारी विदेशी अंग्रेजन की तरह सुंदर सुंदर कोरी कोरी। हाँ लगता है सारा अमेरिका यहीं उठ के आ गया हो। ऐसी बातें नंगे शर्माती है। चलो चलो तुम्हें भी मैं सुंदर बना दूंगी। अबे सुंदर बना दूंगी, आई तुझे भी लगाने।
मसलू के मैं ठीक है भैया। मैं तो ठीक हूँ, तू सुना कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। तेने पता है हमारा ना दोस्त आया फौज से। अच्छा, पूरे एक महीने की छुट्टी लेके। अच्छा हाँ। तुझे पता है वो ना फौज में कितना लंबा अफसर है। कितना लंबा? अच्छा। अच्छा। और वो ना कभी जोरदार वर्दी पहना करे, इतनी चौड़ी छाती होगी, इतनी चौड़ी। अच्छा, इतनी चौड़ी छाती। अच्छा, पता है इतनी अच्छी सोने जैसी घड़ी पहना करे। घड़ी? अच्छा, घड़ी पहना करे सोने जैसी। अच्छा, इतनी बढ़िया पैंट। मुँह पूछ क्या? इतनी बढ़िया पैंट। अच्छा, मुँह पूछ क्या? नाचे नाटक। अच्छा, पैंट पहना करे और इतनी बढ़िया जेब है। ऐसा है कभी लाजवाब हमारा दोस्त? ऐसा है तेरे दोस्त? ऐसे ही है। अबे देख लो, भूल तो ना गया कुछ? ना कुछ ना बोला, ऐसे ही है। अरे देख लो, भूल कर लिखा कुछ? बोला बोला ऐसे ही है। अबे टुप्पी नहीं भूल गया तू? दीपक, रोशनी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, फिर दोनों आपस में क्यों लड़ते हैं? रोशनी जी, तो पिछले में खेल रही थी। ये आपकी खेलने की उम्र है? चलिए हम आपको आज घुमाते हैं। मुझे नहीं घूमना। रोशनी जी, अब आप चमक जाइए। अब आप गांव में नहीं, शहर में है। शहर की तरह रहना भी सीखो, शहर की तरह कपड़े भी पहनो। इसलिए मैं आपके लिए साड़ी लेकर आया हूँ। मुझे नहीं शहर में की तरह बनना और ना ही छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कों के साथ घूमना। मुझे नहीं कुछ करना। और ये साड़ी मैं ना पहनने वाली हूँ। रोशनी जी, ये गांव नहीं, ये शहर है, समझे? और आज मैं आपको अपने पुराने दोस्तों से मिलाने लेकर आया हूँ, इसलिए आपको भी साड़ी ही पहननी पड़ेगी। पगली, ये गांव नहीं शहर है, ये साड़ी ही पहन लो। ठीक है, मैं यही साड़ी पहनूंगी और तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। थैंक यू, आपको माफ कर दो। अच्छा लग रहा हूँ? चलिए इतने में नहा धोकर फ्रेश हो जाता हूँ। आप 5 मिनट में नीचे आइए, फिर चलते हैं। बाय। मैं रोशनी और दीपा के साथ खेलती हूँ। पायल
से मिलके गोरी आज कसम खाऊंगा, तेरे लिए हो जीना वरना मैं तो मर जाऊंगा। तेरे गले से मिलके गोरी आज कसम खाऊंगा, तेरे लिए हो जीना वरना मैं तो मर जाऊंगा। पायल तेरी बोल रही है, प्यार के सुर यहाँ बोल रही है। कर ले हूं मैं हिचको ले, मेरा मन तो बोलेगा तू बोले या ना बोले। दुनिया का रंग रूप देख कर ले हूं मैं हिचको ले, मेरा मन तो बोलेगा तू बोले या ना बोले। पायल तेरी बोल रही है, प्यार के सुर यहाँ बोल रही है। प्यारा और न कोई ये मैंने अब जानी, जीना मरना साथ तेरे सुन ले प्रेम दीवानी। दिल की घुंडी खोल रही है, दिल की घुंडी खोल रही, मेरा कौन बनेगा दीवाना दीवाना। पायल मेरी बोल रही है, प्यार की सुर यहाँ बोल रही है। पायल तेरी बोल रही, प्यार के सुर यहाँ बोल रही है। इसे लपेटते कहते हैं। अरे क्या ये तो लहंगा चिड़ियों का लग रहा है। अरे ये साथ में इतनी बड़ी चुड़ी, इसे कहते हैं साड़ी। आओ रोशनी, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। अरे भाई, आप में से कुंदन कौन है? अरे भाई, ये कहाँ रह जाए कुंदन से? कहाँ मिलेगा कुंदन? तुम कुंदन हो ना? हाय सूरज। अरे अमेरिका से कब आए तुम? बस अभी 4 दिन पहले। यार सूरज, अमेरिका में तो अमेरिकनों के साथ बड़ी मौज मस्ती की होगी।
फिर ये शहरी चिड़िया कौन है? देख कुंदन, जबान संभाल कर बात कर वरना क्या कर लेगा तू? अच्छा भाई चौधरी, अब मैं चलूं? बच्चे तो पता नहीं कब आएंगे। जो बात करनी थी वो तो हमने कर ही ली। रोशनी, रोशनी मेरी बात तो सुनो। रोशनी, परसों मंगनी, 6 दिन बाद शादी, और परसों तैयारी के साथ मुझे आना भी तो है। रोशनी, प्रधान, जो हमने बचपन में बच्चों की शादी करने का वादा किया था, आज उसे पूरा करने का वक्त आ गया। मैं भी कब पीछे हट रहा हूँ चौधरी, चलो दोनों मिलकर तैयारी कर। यस। अच्छा भाई चौधरी, अब मैं चलूं? ठीक है। अच्छा भाई, रोशनी बेटी, क्या बात है? रोशनी बेटी, अरे सुन तो बेटी, ऐसे क्यों रो रही है? नमस्ते बाबा, क्या आप लोग दीपक को जानते हैं? सूरज तो यहाँ से 4 गांव दूर रहता था, और जहाँ तक मुझे याद है मैं कभी कभी उससे मिलने जाया करता था, और अब वो यहाँ इस गांव में और मेरे ही गांव में क्या करने भाग आया? यहाँ इतनी दूर और मेरे ही गांव में क्या करने भाग आया? खैर जो भी है, अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? इतना बड़ा गांव है और पूरा ही गांव छान मारा। सब कहते हैं गांव में है, कहीं भी नहीं मिला। हाँ मिलेगा ये दीपक, लेकिन वो बुजुर्ग कह रहे थे कि शायद खेतों पे हो। जब इतनी दूर आया हूँ, पूरे गाँव में देख लिया, खेतों पर ही देखता हूँ। चल सूरज, जब दीपक के लिए यहाँ तक आई तो खेतों में और तलाश करती हैं अपने दीपक। अरे सुनिए भाई साहब, आप लोग इसी गांव में रहते हो? पर काम दूसरे गांव के दिखाई दे रहे हो मुंह पूछ के। मैं ये कह रहा था कि आप में से हैं। अरे भाई साहब, मैं ये कह रहा था कि आप में से कोई दीपक को जानता है क्या?
मेरे ससुर मैनू कह रहा सहरी बाबू तुम दीपक को किस तरह जानो। अरे बचपन में हम लोग दोस्त थे, साथ पढ़ते थे। चलो तो ये बात तो उसी से पूछते हैं, चल के तनी हम लोग सहरी बाबू मैं गाड़ी लुका लेंगे। गाड़ी लगा ले, लुकाने चल, लुकाने चल। सही से बैठिए। मैं भी बैठना है, हमारे पास भी गाड़ी है। अरे आराम से बैठे रहिए, आराम से बैठेंगे। मुंह पूछ के हाँ बोल, के बात है दीपक भैया? दीपक भैया कुछ बोल भी क्यों घेंट पाड़ रहा है? घेंट ना पाड़ रहे, ये नू कह रहा सैरी बाबू थारा दोस्त है, शहर से आया। अरे के बात है, तुम दीपक हो? हाँ दीपक हूँ, और के मोमबत्ती दिखाई दे रहा हूँ तुझे। भूल गया दीपक? भूल गया और याद ही करता। अरे बुद्धू मैं सूरज हूँ, सूरज तेरा बचपन का दोस्त, याद आया कुछ? तुम सूरज हो? हाँ दोस्त मैं वही सूरज हूँ, तू मुझे भूल सकता है, मैं नहीं। मेरे दोस्त घर चल। देख दोस्त अभी तो वक्त नहीं है, हाँ फिर कभी तेरे घर जरूर आऊंगा। क्यों, किस बात की जल्दी है? अगले हफ्ते मेरी मंगनी है और तू उसमें जरूर आएगा। बिल्कुल आऊंगा, लेकिन आऊंगा कहाँ, मुझे तो तेरा पता भी नहीं पता। ये ले मेरा कार्ड, इस पे मेरा मोबाइल नंबर है, शहर पहुंचकर मुझे इस नंबर पे फोन कर लेना, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इतना पुराना दोस्त मिलेगा सोचा भी नहीं था। प्रधान जी ये मेरा छोटा भाई, मैंने इसे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है, अब मैं सोचता हूँ कि कहीं इसकी नौकरी लग जाए। ठीक है, तुमने अपने भाई की पढ़ाई पूरी कर दी, इसे ट्रेनिंग भी करवा दी। जी हाँ, मेरे एक साथी हैं दिल्ली मंत्री, मैं जाऊँगा तो इसकी नौकरी की बात करूँगा। ठीक है प्रधान जी, मेरी नौकरी का इंतजाम हो जाए तो। ठीक है, तुमने पढ़ लिख करके गाँव का नाम रोशन किया है, मैं कोशिश करूँगा। बाबूजी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे एक दोस्त की सगाई है। दिल्ली जा रहे हो? हाँ, तो कपड़े तो ढंग के पैर करके जाना। ढंग के ही पैर के जाऊंगा, और मैं आपकी तरह धोती कुर्ते में थोड़ी जा रहा हूँ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे भाई सुन तो, मैं भी तो दिल्ली जा रहा हूँ, तू मेरे साथ दिल्ली चलना। मैं आपके साथ नहीं जा रहा, आप अपने हिसाब से जाइए, मैं अपने हिसाब से, मैं अपने दोस्त की सगाई में जा रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ जाओगे। अरे भाई सुन तो, ओहो चला गया।
रुको रुको, ओ भाई साहब। अरे 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 बहन जी, मेरी बात तो सुनो, मेरी सूरज से बात करवा दो। भाई साहब, या तो कुछ सुनी ना रही है, अपनी अपनी गा रही है। अरे भाई साहब ने नंबर डायल क्या, 14 अंकों का नंबर बना दिया आपने, गलत है ये, लाइए मुझे मिलाता हूँ। जो हेलो हेलो, हाँ सूरज। हाँ कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ दीपक। दीपक कहाँ से बोल रहे हो? मैं यार, मैं तो यहाँ भैया यहीं हूँ, शहर में आ रहा हूँ। तुम शहर आ गए हो? हाँ। अच्छा, एसटीडी वालों को फोन दो। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ भैया। आज भाई साहब कौन? अच्छा अच्छा सूरज, आज यही है। क्या एड्रेस आपका? लाल कुआ रेलवे फाटक के पास। ठीक है। अच्छा, आप मेरे दोस्त को वहीं बिठाइए। हाँ हाँ दीपक। हाँ हाँ, तुम वहीं रुको, मैं अभी 2 मिनट में तुम्हें लेने पहुंच रहा हूँ। बस ठीक है। अच्छा आ जा, ठीक है, बाय। ओके। पैसे दीजिए। पैसे? पैसे कैसे? ये फोन ना करा अभी। तो आपने करा? तो मिलवाया। तो बात तो आपने करी है। तुम्हारा काम तो मिलाने का, बात ना हुई तुम्हारे दोस्त, हमारी भी है, तुम्हारी भी हुई है। और भैया तन्ने करा, मैं काहे के पैसे दूं? तुमने पैसा दो, मैं काहे के पैसे दूं? ये नंबर मिलाया, बात नहीं करी आपने, फोन तो तुमने मिलाया। पैसे से कहते तुमने मुझे पैसे दो अपने, पैसे दो हमारे। अरे ये लो भैया। अरे ठीक है यार, दीपक चलो तुम यार। ये ले जा भी भाई। अच्छा भैया, अच्छा चलो दीपक, चलो मैं दीपक घर चलो, अभी बैठ के बात है। दीपक पहले मैं मोड़ लूं तब बैठना। अरे दोस्त,
एक बात तो मैं तुझे बताना भूल गया, तू जब अपनी होने वाली भाभी को देखेगा ना तो बस देखता ही रह जाएगा। क्या इतनी खूबसूरत है हमारी होने वाली भाभी? हाँ, ये समझ ले इस सूरज की पहली किरण है वो, मेरे बचपन का प्यार है। भगवान करे तुझे वो जरूर मिले। क्या मतलब, तू ये क्या कह रहा है? और तू खोया हुआ कहाँ है? सब ठीक तो है दोस्त? हाँ अभी तक तो सब ठीक है। तो चलना। आओ दीपक, ये हमारी ताई हैं। नमस्ते जी। ये हमारी बुआ जी हैं। नमस्ते। ये हमारी भाभी जी हैं। नमस्ते। ये हमारी चाची हैं दीपक। नमस्ते जी। आओ दीपक, इनसे मिलिए। ये है मेरे अंकल। नमस्ते। और ये इनके फ्रेंड। नमस्ते जी। कोठी बहुत अच्छी है जी, आपकी है? दीपक देखना तेरी भाभी। क्यों दोस्त, मैं ना कहता था कि जब तू अपने होने वाली भाभी को देखेगा तो बस देखता ही रह जाएगा, पैरों तले से जमीन निकल जाएगी तेरे। क्या दोस्त, ऐसा ही बना? सर सूरज, आज मेरे पैरों तले की जमीन ही नहीं, सर से आसमान भी निकल गया है। तू बहुत खुशकिस्मत है यार, जो तुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली, और तेरे जैसा दोस्त भी। काश मैं ही कर पाता। रोशनी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुम्हें रास ना आया? मेरे पास दौलत नहीं थी इसलिए तो, लेकिन क्यों? दीपक, मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी रहूंगी, लेकिन तन अब सूरज का हो गया है। लेकिन क्यों? मैं आई तो थी सिर्फ एक दिन के लिए, लेकिन एक दिन बाबूजी ने, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है?
जो तू सूरज से शादी नहीं करना चाहती। पापा मैंने अपना जीवन साथी किसी और को चुन लिया है। ये क्या कह रही है तू? तुझे पता भी है कि तू क्या कह रही है? हाँ पापा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? कौन है वो? दीपक। दीपक, ये तू क्या कह रही है? अब तो बहुत देर हो चुकी है बेटी, तेरे बड़े काका और तेरे बाबा की इज्जत का सवाल है। अगर तू हमारी इज्जत को रोकना चाहती है तो मत पहनना ये कपड़े। अपने बाबा की इज्जत की लाज रख ले बेटी। पापा, तू अगर ऐसी बात है तो मैं अपने प्यार को भी कुर्बान कर सकती हूँ। आज के बाद रोशनी एक लाश बन कर जिएगी, जिंदा लाश। अरे लाइट कहाँ चली गई? क्या हुआ इस लाइट को? रोशनी कहाँ गई? रोशनी मुहूर्त लिखा जा रहा है, चलो अंगूठी की रस्म पूरी करो। थोड़ी देर रुक जाते पापा। अरे चौधरी, मेरा इंतजार भी नहीं किया। आइए आइए। अरे भाई प्रधान जी, जैसी बेटी तेरी ऐसी मेरी, आप आगे ये और अच्छा होगा। जी पापा जी।
मेरा चैन लूट कर जालिम तुझे मिला क्या मेरा चैन लूट कर सदियां गुजार दे है तेरे इंतजार में रोते हैं आज तन्हा हम तेरे प्यार में कसमें बिखर गए हैं कसमें बिखर गए हैं सब टूट टूट जालिम तुझे मिला क्या मेरा चैन लूट कर जालिम तुझे मिला क्या मेरा तेरी मांग ओ सितमगर मेरे खून से सनी है ना मुस्कुराओ जालिम ना मुस्कुराओ जालिम अरमान फूक कर जालिम तुझे मिला क्या मेरा मेहंदी लगा के हाथ में औरों के प्यार की एक पल में तूने दिल की दुनिया उजाड़ दी वो जा रही है जिंदगी वो जा मेरा चैन लूट कर गैरों का हो गया क्यों गैरों का हो गया क्यों तू मुझसे रूठ कर जालिम तुझे मिला क्या मेरा चैन
आज हमारे यार का चेहरा उदास क्यों है? अरे कुछ भी हो भाई, बात ना प्यार की है। देख दीपक, हम दोनों पक्के यार हैं, पर तुझे पता मसलू मैं यारी की खातिर और प्यार का गला घोट के अपनी मनचले को मेरे जिम्मे छोड़ दिया, इसे कहना है दोस्ती। वाह दोस्त, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। दीपक क्या सोच रहा है? सूरज तू यहाँ? कल तो तेरी शादी है। हाँ मैं जानता हूँ कल मेरी शादी है, मगर शादी यार बिना कैसी शादी? और तू यहाँ उदास बैठा है, क्या तुझे पता नहीं कल मेरी शादी है? मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा दोस्त, तू चिंता मत कर। जरूर नहीं, अभी मेरे साथ चलना होगा तुझे। अभी? हाँ अभी। चल चल दोस्त। अरे दीपक बेटा, मुहूर्त लिखड़ा जा रहा है, जा रोशनी बेटी को ले आ। अरे रोशनी को जल्दी लेकर आओ, जल्दी करो जल्दी। हीरो के लिए खड़े हो जाइए।
अरे 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 ये क्या हुआ? सूरज सूरज अरे 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 ये क्या हो गया? क्या क्या हो गया? क्या हुआ सूरज बेटे? क्या हुआ सूरज? उठ बेटे, सूरज उठ। चौधरी घबरावे मत, सूरज ठीक हो जाएगा। देख सूरज आ गया। पंडित जी मंत्र शुरू करो। जीते रहो बच्चों।
सूरज, मैं किसी और की अमानत हूँ, दीपक की। मैं हूँ दीपक। दीपक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, सूरज आने ही वाला होगा। अब मैं लड़ाई हो चुकी हूँ तुम्हारे लिए। वाह भाई वाह, सूरज के लिए तुम किसी और की अमानत और दीपक के लिए पराई। तुम जाओ यहाँ से, सूरज आने ही वाला होगा। तुम्हारी शादी सूरज से नहीं मुझसे हुई है, समझी? तुम झूठ ना कहो, ये कैसे हो सकता है? जब उसे चक्कर आया था तो वो चक्कर नहीं था, वो चक्कर का ड्रामा कर रहा था। दरअसल उसने हमारी बातें सुन ली थी। दीपक, तू मेरे पास है ना? कोई तो नहीं है? कोई भी नहीं है। अच्छा है, पिताजी भी यहाँ पर नहीं है। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है दीपक। हाँ हाँ, बोल बोल। दोस्त, मैं जानता हूँ तू रोशनी से बहुत प्यार करता है, मगर दोस्त, तूने एक बार मुझसे तो कहा होता कम से कम, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था? क्या क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? देख दोस्त, बनने की कोशिश मत कर। मैं जानता हूँ तू रोशनी से प्यार करता है, तूने मुझसे क्यों छुपाया? मैं किसी से प्यार नहीं करता। नहीं दोस्त, मुझे सब पता है। अब तुझे मेरी दोस्ती की खातिर शादी करनी पड़ेगी दोस्त। हाँ दोस्त। क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुझे रोशनी से शादी करनी पड़ेगी दोस्त। रोशनी तुझसे ही प्यार करती है, मैं जानता हूं दोस्त। क्या क्या पागलपन है सूरज? देख दोस्त, जब मैं सब जानता हूं, रोशनी तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी है दीपक। उससे तुम्हारी शादी हो रही है, याद रखो। लोग आए हुए हैं, बारात सजी हुई है, फेरे होने वाले हैं। मैं जानता हूं दीपक, उससे मेरी शादी होने वाली है, मगर दोस्त, दूल्हा तू ही बनेगा। सूरज होश में आओ, तुझे मेरी कसम दोस्त, दूल्हा तू बनेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बचपन